हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का अचार। लौकी के अचार के लिए मैंने लौकी पहले धो के छिल के छोटे छोटे पीसीज में काट दी है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। स्टीमर तैयार है, अब हम इसमें अपनी लौकी डालेंगे और 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारी लौकी है ये स्टीम हो चुकी है। स्टीम होने के बाद इसे कॉटन के कपड़े पे 1 घंटे के लिए छाया में सुखाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो इसे सूख जाए। दोस्तों, लौकी सूख जाने के बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर कोई पानी की बूंद रह गई है तो वो सब खत्म हो जाएगा और अचार की जो है लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं जो है लौकी को हल्का फ्राई कर रही हूँ। सारी लौकी फ्राई हो चुकी है, अब इसको ठंडा होने तक हम इंतजार करेंगे। में 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच देगी मिर्च कलर के लिए, और ये 1.5 चम्मच नमक, 3 चम्मच भर के तीखी मिर्च। अचार जो है दोस्तों तीखा ही अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें डालेंगे मीठी सौंफ और धनिया का पाउडर। अब इसमें डालेंगे सफेद सरसों 2 चम्मच के आसपास है, और ये राई दाना। आधा चम्मच डालेंगे अमचूर और डालेंगे ऊपर से सरसों का ऑयल। अब फ्रेंड्स, मैं इसको मिलाने जा रही हूँ। दोस्तों, अचार बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसको कांच के बर्तन में सुखा कर डाल सकते हैं। इस अचार को आप कल से भी खा सकते हैं, ये क्योंकि ये स्टीम्ड की हुई लौकी है तो कल तक ये खाने लायक हो जाएगा। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।